वर्षा के कारण रामनगर नदी उफान पर आ गई है, जिससे मुरादाबाद के कई रास्तों पर रामनगर नदी का पानी आ गया है, जिसके बाद लोगों के सामने कई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। मुरादाबाद के इस्लाम नगर से भोजपुर को जोड़ने वाला एक इकलौता मार्ग पर इस समय रामनगर नदी का पानी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय पूरी रोड पर पानी ही पानी बह रहा है और लोगों के खेतों में इस वक्त तालाब बन चुके हैं और उनकी भारी फसलों का नुकसान हो गया है। जब हमने इस बारे में ग्रामीणों से बात की तो उनका कहना है, जब से ये पानी आया है हमारी फसल पूरी तरीके की, धान की, गन्ने की पूरी तरीके से चौपट हो गई है और हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है, हमने कई बार जनप्रतिनिधियों से इस विषय में भी बात की है कि जो यहाँ पर पुल है अक्कम बिकनपुर का, इसे थोड़ा ऊंचा करके बना दिया जाए, विधायक के पास जाएं या सांसद के पास जाएं या किसी अधिकारी के पास जाएं, सिर्फ हमें आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं, हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि खैया खद्दर के शमशान घाट में भी पूरी तरीके से पानी भर चुका है, जहां लोगों का कहना है कि हमें क्रियाकर्म करने में काफी परेशानी का सामना पड़ रहा है और हमें कई और जाके क्रियाकर्म करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है, जब से यहाँ पानी आया है दो बच्चों के साथ दुर्घटना भी हो चुकी है और डूब भी चुके हैं, बड़ी मुश्किल से उनकी जान को बचाया गया था। जब इस विषय में हमने अन्य और ग्रामीणों से बात की तो उनका कहना है कि बच्चों का स्कूल जाना पूरी तरीके से बंद हो गया है। पिछले साल तो यहाँ पर ट्रैक्टर की मदद से, बैलगाड़ी की मदद से इस रास्ते को आप देख रहे हैं कि इसे पार करते थे, मगर इस बार किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, ना ही ट्रैक्टर है, ना ही कोई बैलगाड़ी है। पूरी तरीके से उन लोगों का जीवन बाधित हो चुका है। लगभग लोगों ने बताया कई हजार की आबादी वाले इन गाँवों के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात में तो पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं, उनका पास किसी तरीके की अपनी समस्याएं जो होती हैं, जैसे कोई बाहर जाना हो या दवाई लेने, किसी भी प्रकार का कुछ हो जाए, अनहोनी हो जाए, वो पूरी तरीके से अपने घर में ही कैद रहते हैं और किसी तरीके की भी उनके पास मदद नहीं पहुंच पा रही है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर हम यहाँ खड़े हैं, खैया खद्दर के गाँव में खड़े हैं, अक्का बिकनपुर के बीच में, यहाँ पूरी तरीके से आप फसल को देख सकते हैं, जहाँ पूरी तरीके से फसल बर्बाद हो चुकी है, पानी में बह रही है और जहाँ खेत होते थे आज वहाँ पूरी तरीके से तालाब बन चुका है। क्या परेशानी का दिक्कत हम लोग? बहुत परेशानी है भैया, यहाँ पे क्या करें, क्या परेशानी आ रही है? कौन सी गंगा का पानी है? रामगंगा का भी आ रहा है, नदी का भी आ रहा है। क्या हर साल आता है? हर साल आता है। तो किसी परेशान हो गए? क्या आपने जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद से इस बारे में शिकायत नहीं करते? क्या सबसे शिकायत करी, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। हर साल आता है जी। तो अभी आप पानी से निकलना पड़ रहा है आप लोगों को? नहीं है, बहुत पानी आ गया यहाँ, बहुत दिक्कत पड़ती है, उतरा ही नहीं जाता यहाँ पे। कितने लोगों की आबादी होगी यहाँ पर? आबादी आबादी तो बहुत है, एक गांव अगला है, पिछले अगला है, तो सब सड़कों पर पानी है क्या? रोड पर यहाँ पर सब में पानी है। तो फसलों का क्या हाल है यहाँ की? फसलें तो सारी मर गई। अच्छा ये बताओ, योगी सरकार ने जो फसलों को नया अभी मुआवजा देने की मांग की है, क्या आप लोगों तक वो पहुँच गया है? मुआवजा पहुँच रहा है आप लोगों तक? नहीं पहुँच रहा अभी तक। अभी तो देखो जी पहुँचा नहीं है, जो पहले सुनवाई देखी थी वो तो हो चुका था। ये भैया कोसी बैराज से भी आता है भैया, और ये रामगंगा नदी का भी पानी आता है यहाँ से। पानी कब आया ये पानी? अभी भैया 6-7 दिन पहले से यहाँ पर पानी है और यहाँ पर पानी आता रहता है, और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा पानी आता है और लोगों को बहुत तकलीफ होती है और दुर्घटनाएं भी हो चुकी है, दो तीन मृत्यु भी हो चुकी है पर जहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ पर अभी। किस कारण? पानी ऐसे ही आता है, लोग आ जाते हैं, अनुभव होता नहीं है, पानी ज्यादा होता है, बह जाते हैं। दो बार तो डूब चुके हैं हमारे गाँव के ग्राम पंचायत कबीगनपुर के, दो बच्चे डूब चुके हैं यहाँ पर अभी हाल ही में जी। अच्छा, ये कोई जनप्रतिनिधि से किसी तरह की मांग की गई हो? बहुत बार समस्या का इसका साफ लेके भी पहुंचे हैं जो जो जनप्रतिनिधि, मतलब अभी सर्वेश कुमार जो सांसद थे उनसे भी कहा गया है, और भी है, बहुत लोग गए भी हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। सर विधायक कौन है यहाँ का? विधायक मेरे ख्याल से सर नासिर कुरैशी साहब जी हैं विधायक। उनसे किसी इस प्रकार में कोई समस्या को लेकर बात की गई? कई बार बात की है सर, उन्होंने गांव ग्रामीण लोगों ने, जितने भी हमारे गांव ग्राम पंचायत। किस चीज की मांग की गई है? पुल के लिए, इसका पुल तो है सर, ये थोड़ा ऊंचा हो जाए या मतलब इसका सुधार हो जाए, इसी के बारे में मांग की है सर। कहाँ पर है ये पुल? ये है साहब अक्का और घोसीपुरा के बीच में साहब। यहाँ बहुत बड़ी परेशानी है, मतलब ये यहाँ तो अब पूरी सड़कों पर पानी पानी है, कहीं को भी निकलने का रास्ता हमें नहीं है। आप तो बोलिए, हर साल पानी आता है, इतना पानी आता है, अगर यहाँ को निकलने का है पानी कोई नहीं होती। कौन सी नदी का पानी है ये? ये रामगंगा नदी का पानी है, ये इधर थोड़ा सा छोटा सा नाला है, धमधमा नदी बोलते हैं, उसका पानी आता है। अच्छा कितनी फसलों का नुकसान हो चुका होगा ये? ये तो साहब पता नहीं कितनी फसलों का नुकसान हो चुका हमें।
हर सालाना मतलब नुकसान ही होता है, नुकसान ही होता है यहाँ तो। जो योगी सरकार ने मुआवजा देने की मांग की है, जो अभी बाढ़ में जो फसलें बर्बाद हो रही है, वो क्या अब तक पहुँचे? अभी तक कुछ नहीं पहुँचा हमारे पास, नहीं। अब तो आप लोगों को रात रात में कोई दिक्कत हो जाती तो कैसा ज्यादा पड़ रहा है आप लोगों को? बात बहुत परेशानी पड़ती है, मतलब ऐसे ही जाते हैं, मतलब उसमें विधायक सांसद से बात की आप लोगों ने? पानी तो है साल के साल आता है इन दिनों। अच्छा, तो यहाँ पानी कब आया? है पानी आया परसों से, कल परसों से आया हुआ। किस तरह की समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है? बहुत समस्या, सारे पर समस्या खराब है, तो फसल सब नष्ट हो जाती है, ये है रास्ते सब बंद हो जाते हैं, उधर का भी रास्ता बंद है टीबल आने वाला, और ये इधर का भी रास्ता बंद हो जाता। कौन सी नदी का पानी आया हुआ है? ये नदी है रामगंगा का पानी आता है। तो इस बारे में आपने कभी जनप्रतिनिधि विधायक सांसद से? विधायक साहब से आप जैसे आप आए हैं ऐसे ही ले जाते हैं खींच करके फोटो, कोई सुनवाई नहीं होती। किस चीज की मांग है आपको यहाँ पे जो पानी दिया? मांग क्या, ये रोड ये पुलिया बन जाओ उसकी, दमदमे की पुल बन जाओ उसका, पुल बहुत नीचा है उसका, ऐसे बम्बो का पुल है। तो कब से मांग की जा रही है पुल बनवाने की दमदमे की? मांग तो साल के साल मांग ही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कुछ अधिकारियों से इस बारे में डीएम साहब से वगैरह संपर्क किया गया कभी? ना खैर, मैं तो नहीं गया हूँ डीएम साहब के दौरे, लेकिन कितनी फसलों नुकसान हुआ होगा अब तक? फसलें तो नुकसान साल के साल नुकसान ही होता। इस बार कितनी फसलें नुकसान हो रही है? अरे शहरी खत्म हो जाए हैं तो। किस चीज की फसल नुकसान हुआ है? फसल धान गन्ना सभी खत्म हो जाता। वही इस बारे में हमने और अन्य लोगों से बात की तो उनका कहना है कि हमारी समस्या का समाधान कब होगा, आखिर प्रशासन या योगी प्रशासन मुरादाबाद प्रशासन हमारी समस्या को कब सुनेगा, कब हमें नए पुल के लिए निर्माण करने की जानकारी मिलेगी, कब से शुरू होगा? मुरादाबाद से अमृत विचार के लिए सवाल हसन।